27 जुलाई को लालमणि देवी जो राणा प्रताप नगर चास थाना की रहने वाली है, घटना के दिन अपने घर से सुबह पूजा करके लौट रही थी। इसी दौरान सुबह समय करीब 6:30 बजे जोड़ा मंदिर के पास जैसे ही पहुंची, तभी एक काला रंग के मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके गले से सोने का चेन छिनतई करते हुए तेजी से फरार हो गया। पीड़ित द्वारा इस संबंध में चास थाना पुलिस को सूचना दी गई और थाना में छिनतई का मामला भी दर्ज कराया गया था। छिनतई की वारदात घटित होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें 4 एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पुलिस को सफलता मिली। घटना को आरोपी सोनाराम और शहादत अंसारी ने छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया। आरोपी हीरालाल की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे हुए सोने की चैन को भी बरामद कर लिया। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर लूट और चोरी की सोने को खरीदने वाले बादल सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी पिंडाजोरा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। चास थाना प्रभारी रुस्तम अंसारी ने कहा कि इन आरोपियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जहां झारखंड के बोकारो सहित बंगाल के पुरुलिया में चोरी और छिनतई की घटना को अंजाम दे चुका है और पहले भी जेल जा चुका है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। क्या मामला है, किस चीज का आरोपी को गिरफ्तार किया गया? मामला यह है कि दिनांक 27/7/2022 को सुबह करीब 6:30 बजे लालमुनि देवी पतिराज किशोर सिंह राणा प्रताप कॉलोनी के वो पूजा करके जा रहे थे। जोड़ा मंदिर के आगे 2 अपराध कर्मी काला रंग के पल्सर मोटरसाइकिल से उनका चैन छीन लिया। चैन छीनने के बाद ठीक 6:30 बजे करीब घटना है। इसके बाद ये लोग सेक्टर 6 गए, वहाँ चिन्मया विद्यालय के बगल में अगल बगल में वहाँ भी एक ये लोग महिला से चैन छीन लिया। चैन छीनने के बाद ये लोग वहाँ से दोनों फरार हो गए। कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा एक टीम गठित किया गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में लगातार छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में सबसे पहले पकड़ा गया हीरालाल सुनार को, उसके बाद शहादत उर्फ ककुआ को जो कि मोहनडी का रहने वाला है और हीरालाल सुनार चितामी का रहने वाला है। इन लोगों के पास से इस कांड में लूटा गया एक चैन बरामद कर लिया गया है। एक चैन जो दिया था वो किस एक व्यक्ति को, उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका साथी एगो था उसमें शामिल, उसको भी बादल चंद जायसवाल जो कि छितामी का रहने वाले, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अपराधी के गिरफ्तार होने के बाद दोनों अपराधी अपने अपराध को कन्फेस किए, स्वीकार किए, तो इस कांड उन लोगों के स्वीकारती बयान के आधार पर इस कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल JH09AL 2485 और 2485 गिरफ्तार पकड़ा गया और एक चैन भी बरामद कर लिया। इन लोगों का पूर्व में इतिहास क्या है? काफ़ी इतिहास है। ये लोग पूर्व में भी सेक्टर 12 सेक्टर 4 पुरलिया इसमें क्राइम किए हैं और पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। क्या लग रहा है, इस तरह के अपराधियों को गिरफ्तार होने से चास में अब लोग अमन चैन रहेगा, रोकथाम लगेगी? 27 तारीख को ही सर छिनतई हुई थी, उसी दिन अपराधियों की गिरफ्तारी? उस दिन तो नहीं हुई थी, उसके बाद गिरफ्तारी सब जांच करते हुए। पहले जो जेल गए हैं चैन स्नेचिंग में और सब केस में भी जेल गए हैं, चोरी में भी जेल गए हैं।